अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो वो दिन आ चुका है जिस दिन का आप भी वेट कर रहे थे और मैं भी वेट कर रहा था बेसब्री से। तो हम जाने वाले हैं वंडरला को गाइस। तो ये बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा दरअसल सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं जब गया था बहुत छोटा था तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी है, अभी लूँगा मज़ा, बचपन में थोड़ी मज़ा ले सकता था। और मुझे सारे राइड्स कवर करने नहीं होगा क्योंकि थोड़े राइड्स बहुत रिस्की हैं। अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे वंडरला के ऊपर तो आपको सारे राइड्स दिखाई देंगे उधर। तो थोड़े राइड्स ऐसे हैं जिसे मैं फ़ोन लेकर जा नहीं सकता क्योंकि वो राइड्स आप देख सकें, आपको दिखाता हूँ कि राइड सिर्फ मैं ऐसे दिखाऊंगा क्योंकि उसके मैं थोड़े राइड्स कवर करूंगा, जैसे रोलर कोस्टर और जो जेंट व्हील होता है वो, और थोड़े राइड्स कवर करूंगा और आपको सारा। और मेरी आवाज़ इतनी नरम आ रही है क्योंकि ये अभी जो टाइम है शायद 5:40 या 5:45 हो रहा है और मैं अपना कॉलेज आईडी भी डाल चुका हूँ इधर। तो कॉलेज आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉलेज की ट्रिप को जा रहे हैं, स्कूल ट्रिप को जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अभी वे कर चुका हूँ। तो सुबह सुबह मेरी आवाज़ बहुत नरम आती है, आपकी भी आती होगी जब आप सुबह में उठते हैं तो सब। तो चलिए आपको वहीं मिलता हूँ गाइस। अभी बहुत टाइम हो चुका है मुझे, मैं दूध पी रहा हूँ, मेरा बैग पैक इधर है, सारा रेडी है। तो मुझे बहुत लेट हो चुका है, मुझे करीब 6:15 को वहाँ रहना था और अभी 6:31 है। तो मुझे जल्दी से अपना कॉफ़ी ख़त्म करना होगा, मैं सुबह सुबह बहुत सारी कॉफ़ी पीता हूँ देख सकते हैं। तो चलिए आपको वहीं मिलता हूँ गाइस। तो गाइस मैं अभी निकल चुका हूँ मेरे दोस्त के साथ, मैं अभी कॉलेज में हूँ। तो मेरे सारे दोस्त हैं, यशवा गया, मोव्या है। तो चलिए, तो गाइस हम में बस में हैं, थोड़ी देर में वंडरला के लिए निकले हैं। मुझे पता है आपको बहुत कम सुना आ रहा है लेकिन मैं ट्राई करूँगा जोर से बोलने के लिए। और मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और इधर बहुत सारा मजा आ रहा है यार, गाने चल रहे हैं। आपको मैं बीच बीच में वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। तो उठिए गाइस, मंडल आ चुके हैं। बहुत लंबा रास्ता था लेकिन हमने कर दिखाया, बहुत मज़ा किया बस में। अभी मेरे फ्रेंड्स यही हैं, क्लोज फ्रेंड्स, हम मंडल आ चुके हैं, बहुत मज़ा आएगा देख सकते हैं। फॉलो मोव्या है, इंस्टा में फॉलो करना, इरेबल मोव्या है ना। हाँ इरेबल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। नहीं नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चल लाइक। तो हम मंडल आ चुके हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सेकेंड टाइम है। और बस इतना ही, मैं आप आगे वीडियो देखिए, मैं सारे शॉट्स लूँगा आपके लिए, राइड्स में शॉट्स लूँगा। तो ठीक है गाइस, तो गाइस मैं वंडरला आ चुका हूँ लेकिन मुझे बहुत से राइड्स पर मौका नहीं मिला है व्लॉगिंग करने के लिए क्योंकि बहुत से राइड्स रिस्की भी हैं और मुझे वीडियो भी लेने नहीं दे रहे थे वो। तो मैं ट्राई करूँगा उस वाले में लेने के लिए, आप देख सकते हैं। हाँ उस वाले में ट्राई करूँगा, बहुत अच्छा व्यू आएगा ऊपर से। और थोड़े और राइड्स हैं, मैं ट्राई करूँगा उसमें भी व्लॉगिंग करने के लिए। तो बस यही कहना था, तो नेक्स्ट शॉट के लिए चलते हैं। आपको रिव्यू दे दूँगा थोड़े राइड्स के, मैं ये देख सकते हैं, ये पहला राइड था जो मैं अभी बैठा था और ये बहुत स्केरी था गाइस। और अभी लास्ट रेड वो है सबसे ऊपर, आपको दिख रहा होगा। हाँ अभी उसमें बैठने वाला हूँ, लास्ट रेड है वो। और मुझे लगता है उधर व्लॉगिंग और वीडियो दे सकते हैं क्योंकि वो इतना डेंजरस नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगा उधर से अच्छे शॉट्स निकालने के लिए। और ये काफ़ी ऊंचा है गाइस, काफ़ी ऊंचा है, करीब करीब आई थिंक 18 फ्लोर ऊपर है वो। तो अभी हमें, मैं और मेरा दोस्त कुछ और दोस्त को पिकअप करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप फिशेज़ बहुत पसंद है तो आप वंडरला आएंगे तो प्लीज़ इस जगह को विज़िट कीजिएगा। ये रोलर कोस्टर के पास ही है, ये रोलर कोस्टर है तो ये इसके आगे है। इधर बहुत अच्छा पॉन्ड है और इसमें फिशेज़ बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आपको पता है मुझे फिशेज़ बहुत पसंद है, उसका एक वीडियो मैं डालूँगा इसमें छोटा बना के। बहुत अच्छे फिशेज़ हैं इसके अंदर, आपको फीचर्स पसंद देते हैं, बहुत पसंद आएंगे आपको। तो
गाइस आप लोग देख सकते हैं थोड़े राइड्स कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इधर, तो बहुत अच्छा राइड था, पानी में स्प्लैश होता था लेकिन कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अब हम स्केरी हाउस को जा रहे हैं, ट्राई करता हूँ वीडियो लेने के लिए क्योंकि काफ़ी राइड्स इधर हम वीडियो नहीं ले सकते, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो लेके आपको दिखाऊँ। ये छोटे मोटे बच्चे के लिए राइड्स हैं, अब स्केरी हाउस जा रहे हैं, देखते हैं मुझे मौका मिलता है या नहीं वीडियो बनाने के लिए, आपको उधर जाके वापस से कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस फाइनली मुझे एक राइड पर वीडियो के लिए चांस मिली है, और ये जो जाइंट व्हील बोलते हैं बहुत दूर से दिखता है, अगर आप बेंगलुरु और मैसूर के बीच में रहते हो तो आपको जो रास्ते में आप वंडरला का रूट देखते हैं वहाँ से दिखेगा, काफ़ी मज़ेदार जगह यार, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी। अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ वंडरला आइए गाइस। ये दूसरे दिन वीडियो बना रहा हूँ मैं क्योंकि कल ट्रिप से आकर मैं बहुत थक गया था और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ भी हो चुका था, तो मुझे कल काफ़ी राइड्स फिल्म वीडियो बनाने के लिए मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे हाथ से ब्लॉग बनाना पड़ता था हाफ में फ़ोन पकड़ कर, तो बहुत रिस्क था क्योंकि उधर के राइड्स बहुत डेंजरस हैं, सेफ तो हैं लेकिन डेंजरस थोड़े हैं। और अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ट्राईपॉड के साथ फ़ोन लगा कर, तो ये अमेज़न से ऑर्डर किया था ट्राईपॉड, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिव्यू भी दिखाऊंगा और लिंक भी दे दूंगा उस ट्राईपॉड का। मुझे पड़ा था 450 का और अमेज़न में बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है, मैं बहुत खुश हूँ इस क्वालिटी से, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका रिव्यू दिखाऊंगा और लिंक भी दे दूंगा। और काफ़ी अच्छा मुझे ईजी हो रहा है ब्लॉग करने के लिए क्योंकि पकड़ना बहुत ईजी हो चुका है और एंगल भी अच्छा मिल रहा है। आप बताइए कैसा है एंगल वीडियो का, मुझे तो पसंद आया। और अभी वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह कल शाम तक आपको वीडियो आ जाएगा। तो बस यही कहना था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना जरूर गाइस। बाय गाइस।